करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। जितने भी लोग देख रहे हो, अगर आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है तो आप सभी लोग एक एक बार ये थम्स अप दे दीजिएगा कि हाँ जी मैडम, हम लोग को सुनाई दे रहा है और हम लोग को दिखाई दे रहा है। जो भी लोग देख रहे हो इज एवरीथिंग ओके? कैन यू पीपल लिसन? देखो चलो ठीक है, अब अपन लोग सीधा सीधा जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले जितने भी लोग देख रहे हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है सीबीएसई क्लास 9 से 12 तक का। इसको चाहो तो आप लोग परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अभी एक सेशन आने वाला है अबाउट सरफेसी एक्ट। आपको पता है कि अभी अभी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर सरफेसी एक्ट कहा गया लागू होगा, तो इससे कोऑपरेटिव बैंक को फ़ायदा क्या होगा और ये सरफेसी एक्ट होता क्या है, कैसे लागू किया जाता है, जो भी इसके प्रोविजंस हैं, ये अभी आपको 6:15 बजे मिल जाएगी क्लास में। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है देख सकते हो। ठीक है चलो, वाईफाई स्टडी के दो चैनल से लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उषा गांगुली जी की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थी? जर्नलिस्ट, पेंटर, पॉलिटिशियन या थिएटर पर्सनालिटी? ओके, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। उषा गांगुली जी कौन से क्षेत्र से थी? जर्नलिस्ट थी, पेंटर थी, पॉलिटिशियन थी या फिर थिएटर पर्सनालिटी? ऑप्शन करना सब, आंसर करना सब लोग। इस देखो ये बड़ी आसान सा सवाल था, बहुत रिनाउंड और बहुत ही जानी मानी ये मशहूर हस्ती हैं। उषा गांगुली जी की बात कर रहा है तो ये बहुत ही मशहूर थिएटर पर्सनालिटी थी जिनकी अभी मृत्यु हुई है। बताया जाता है कि रंगकर्मी ग्रुप इन्होंने खोज की थी उसकी 1976 में, जिसको कि अपने नॉन कन्फर्मिस्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जैसे महाभोज, रुदौली, कोर्ट मार्शल होता है या अंतर यात्रा होता है, इन सब के लिए नहीं जाना जाता है। इन्हें बताया जाता है कि ये एक अलग तरीके से हिंदी थिएटर को रिप्रेजेंट कर दी थी बंगाल में, जिसका इन्हें श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इनकी जो भी बंगाली प्रोडक्शन थी वो इंक्लूड करती थी मुक्ति और मानसी को। एनीवे, इसका जो सही आंसर था वो होगा एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाल फिलहाल में ग्रीम वॉटसन जी की मृत्यु हुई है, ये कौन से खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या गोल्फ? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि ग्रीम वॉटसन जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये कौन से खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या गोल्फ? देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कौन से खेल से संबंधित थे, ऑब्वियसली इसकी बात हम लोगों ने एक बारी और की थी, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे ग्रीम वॉटसन जी। ठीक है, और ये कैंसर से इनकी मृत्यु हुई है अभी 75 वर्ष की आयु में। बेसिकली एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और मीडियम पेस बॉलर। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, ही वॉज अ क्रिकेटर। ठीक है, अगला देखिएगा। हाल फिलहाल में बदरुद्दीन शेख जी की मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से, ये कौन से क्षेत्र से थे? जर्नलिस्ट, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन या थिएटर आर्टिस्ट? बैकग्राउंड में ये फोटो हटानी है, इतनी भी बुरी नहीं है। ओके चलो हट जाएगी वैसे। देखो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि बदरुद्दीन शेख जी की मृत्यु हुई है कोविड-19 से, कौन से क्षेत्र से थे? तो देखिएगा, ये सीनियर कांग्रेस लीडर थे और साथ ही साथ में काउंसिलर थे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बदरुद्दीन शेख जी की मृत्यु कैसे हुई है? कोविड-19 की वजह से। जो लोग भी कोविड-19 की वजह से मरे हैं इन लोगों का नाम जरूर याद रखना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या थे ये? कांग्रेस लीडर थे। क्या नाम आप लोग देख रहे हो? बदरुद्दीन शेख। ठीक है चलो अगला देख ले हम लोग। अगला देखिएगा, हाल फिलहाल में देवानंद कुंवर जी की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे? जर्नलिस्ट, क्रिकेटर, पेंटर या पॉलिटिशियन? देखो आसान सी बात आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि हाल फिलहाल में देवानंद कुंवर जी की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे? जब हम लोग इनकी बात करते हैं, एक एक बार शेयर मार दो, जो भी लोग सेशन को देख रहे हो ना, शेयर कर दो सेशन को बाकी लोगों में भी, और एक एक बार लाइक भी कर देना जितने भी लोग देख रहे हो। ठीक है, शेयर कर दो ताकि बाकी भी जुड़ जाएं। ठीक है चलो, थैंक यू प्रियम।
जैसे आपसे पूछ रहा है कि देवानंद कुंवर जी की मृत्यु हुई है, ये क्या किस खेल से किस क्षेत्र से थे, तो देखिएगा ये रह चुके गवर्नर बिहार और त्रिपुरा के थे और साथ ही साथ में कांग्रेस लीडर थे देवानंद कुंवर जी, जिनकी मृत्यु हुई है ज्यादा उम्र होने की वजह से। जाहिर सी बात है ज्यादा उम्र होगी तो इवेंचुअली एवरीवन विल डाई, ठीक है। ये गवर्नर किसके थे, बिहार के थे और उसके अलावा त्रिपुरा के रह चुके थे। अगर हम लोग बात करते हैं कि हाल फिलहाल में गवर्नर बिहार और त्रिपुरा के कौन है, तो बिहार के गवर्नर कौन है, फागू चौहान, ठीक है। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन होते हैं, त्रिपुरा के गवर्नर हैं आपके रमेश बैस, ठीक है। इन लोगों का नाम याद रखिएगा। इनका नाम क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई थी और ये पहले रह चुके गवर्नर आपके बिहार और त्रिपुरा के थे, ठीक है। चलो तो ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों को। बाकी चीजें आप लोग देख सकते हो कि ये गवर्नर रह चुके थे, वेस्ट बंगाल के भी एडिशनल गवर्नर थे। इन्होंने कांग्रेस को 1955 में ज्वाइन किया था एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे। ये कैबिनेट मिनिस्टर बने थे असम सरकार के अंडर, जिसको की हेड कर रहे थे हितेश्वर सैकिया, बाद में तरुण गोगोई जी, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइएगा, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, अभी बताते चलना सभी। फिर देखो हाल फिलहाल में रोनोजॉय रोनी रॉय की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे, पेंटर, थिएटर आर्टिस्ट, सितार प्लेयर या फोटो जर्नलिस्ट। देखो बहुत आसान आसान सवाल है और ये एक अच्छा रिवीजन का तरीका जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ रहा है सामने आंसर हो रहा है फिर हम लोग उसको करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा रिवीजन का हमारा तरीका हो रहा है। चलो जैसे आपसे पूछ रहा है कि हाल फिलहाल में रोनोजॉय रोनी रॉय की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे, ऑप्शन में आप देख रहे हो पेंटर, थिएटर आर्टिस्ट, सितार प्लेयर, फोटो जर्नलिस्ट। अगर हम लोग बात करते हैं ये कौन से क्षेत्र से थे, देखो नाम थोड़ा सा, नाम जब देखते हो ना आप लोग, नाम एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स लगता है कि थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो समझ जाया करो इनका जो पेशा रहा होगा ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट ही रहा होगा, ठीक है। ये आपके फोटो जर्नलिस्ट थे रोनोजॉय रोनी रॉय, जो कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये COVID-19 की वजह से मरे हैं, ठीक है। इनको पॉपुलरली रोनी भी कहा जाता था और ये बंगाली डेली आजकल से जुड़े हुए थे 1990 से। इन्होंने ICC वर्ल्ड कप के भी पूरी पूरी चीज़ों को कवर किया था जो इंग्लैंड में हुई थी 1999, जो कि कहाँ हुई थी आपकी इंग्लैंड में लास्ट ईयर पिछले साल हुई थी, ठीक है। और जैसा आप लोग देख भी सकते हो कि एंटरटेनमेंट सेक्शन से स्टार्ट किए थे, बाद में बहुत रिनाउंड और वेल नोन फेस बन गए थे, ठीक है। क्या नाम है, रोनोजॉय रोनी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में विजय मिश्रा जी की मृत्यु हुई है, ये किस क्षेत्र से थे, पेंटर, प्लेराइट, जर्नलिस्ट या क्रिकेटर। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे भी लगती है, थैंक यू सो मच श्वेता, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, लेकिन फिर कुछ लोग कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, मेरे घर वाले ऐसा कह देते हैं कि नहीं इतनी भी अच्छी नहीं है। और मैं ड्रॉइंग जनरली नहीं बनाती हूँ बिकॉज मैं दूसरों को डराना नहीं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि दूसरों को डराना अपराध है। देखो जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विजय मिश्रा जी की मृत्यु हुई है और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, जब हम लोग देखते हैं इसके बारे में तो देखिए ये मशहूर लिरिसिस्ट और प्लेराइट थे ओडिशा के विजय मिश्रा जी की, इनकी मृत्यु हुई है। ये मॉडर्न थिएटर के एक बढ़िया रिनाउंड फेस थे, ठीक है। और इन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें से एक आप लोग देख सकते हो केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, किसके लिए, वन प्रस्थ के लिए। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वन प्रस्थ के लिए किसको अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही साथ में इन्हें ओडिशा साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था और बाकी भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी रहे थे ये, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा मशहूर बनने की कोशिश की जाए, ताकि अगर नो वन नोज COVID-19 से अगर मैं मर गई तो फिर नाम आएगा रिनाउंड टीचर, ठीक है। रिनाउंड बनूंगी जब शेयर वेयर करोगे तो सेशन को थोड़ा शेयर मार दो, ओके। तो फिर आएगा अ रिनाउंड टीचर डाइड ड्यू टू COVID-19, तो स्वर्ग में मुझे अच्छा लगेगा, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं स्वर्ग में ही जाऊंगी, ओके। चलो तो देखिएगा ओडिशा के थे विजय मिश्रा जी, इनकी हुई है मृत्यु, ठीक है। चलो अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाल फिलहाल में इरफान खान जी की मृत्यु हुई है, एक बहुत ही मशहूर मूवी में ये थे, ठीक है। लेकिन इनमें से किस मूवी में ये नहीं देखे गए थे, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी, मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तुम्हें या भाग मिल्खा भाग। आंसर करते चलो, जितने भी लोग देख रहे हो क्वेश्चन का आंसर करना। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इरफान खान जी की, देखो इनकी तो सभी मूवी आप लोग जानते होगे, ऐसी कोई मूवी नहीं होगी जो आप लोग नहीं जानते होगे। इनफैक्ट अगर आपसे अभी कहा जाए कि और चार मूवी बता दो तो आप लोग बता ही सकते होगे, है ना। किसके पार्ट नहीं थे, जाहिर सी बात है भाग मिल्खा भाग ये फरहान अख्तर की मास्टरपीस में से एक है। बाकी मकबूल, मकबूल से तो इन्हें बहुत ज़्यादा नाम मिला है और सबसे ज़्यादा रिनाउंड ये माने गए थे पान सिंह तोमर में, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो है सम्मान दिया गया है। और
बहुत ही बेहतरीन एक्टर थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी जैसा हम लोगों को 29 अप्रैल को खबर मिली थी कि इनकी मृत्यु हो गई है, जिसके 4 दिन पहले इनकी मम्मी की भी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और ये न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से जो है लड़ रहे थे 2018 से, उसी की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन बन गए एक्टर, और फिर देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या नहीं कर दिखाया, ठीक है चलो। और एक और भी चीज़ बड़ी बात ये थी कि ये हॉलीवुड एक्टर थे, और हॉलीवुड एक्टर्स ने भी बहुत शोक जताया इनके मरने पर, ठीक है चलो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऋषि कपूर जी की मृत्यु हुई है, इन्हें फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला था, 2005, 7, 8 या 10? आंसर करना। शुभम का आंसर आया हुआ है डी, बाकी विजयराज राणा इज क्राइंग वाई सो, अंकित डी वर्कड इन मेनी। और क्वेश्चन को देखो पहले ध्यान से फिर आंसर करो। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऋषि कपूर जी की मृत्यु हुई है और इन्हें कौन से साल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर का, तो ये कब दिया गया था, 2008 में दिया गया था, ठीक है। ये सब तो हम लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ऋषि कपूर जी की अभी मृत्यु हुई थी, आपको भी पता है, और इन्हें जो है नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था जब इन्होंने अपना पहला रोल किया था 1970 में। इसके साथ ही साथ में इन्हें लीड रोल मिला था डिम्पल कपाड़िया जी के अगेंस्ट बॉबी, एक गाना आप लोग देख रहे होंगे, अभी क्वारंटीन चल रहा है तो उसको एक गाने से जोड़ा जा रहा है, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, अंदर से कोई बाहर ना सके, सोचो ऐसा हो तो क्या हो, तो वही हो रहा है ना अभी, क्या होता है क्वारंटीन तो होता है ऐसा, कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, ये बहुत सारी जगह पे लीडिंग रोल में नजर आए हैं और बहुत सारे इनको क्रिटिक अवार्ड मिले हुए हैं इनकी परफॉर्मेंस के लिए, 2 दुनी 4 वगैरह में, कपूर एंड सन्स में आए थे। इन्हें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था ये 2008 में मिला था, ठीक है चलो। अगला क्वेश्चन, बलबीर सिंह कुल्लर जी की मृत्यु हुई है, ये कौन से खेल से संबंधित थे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, नेटबॉल? आंसर करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बलबीर सिंह कुल्लर जी की मृत्यु हुई है और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन से खेल से संबंधित थे ये, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या नेटबॉल, क्या आंसर होगा? हाँ देखो, जैसे आपसे पूछा था बलबीर सिंह कुल्लर जी की आपसे बात कर रहा था, तो ये पहले रह चुके हॉकी प्लेयर थे बलबीर सिंह कुल्लर जी, बहुत ही मशहूर थे, और ये 1968 के ओलंपिक्स के पार्ट थे, ब्रॉन्ज विनिंग टीम थी जब हमारी। साथ ही साथ में ये कहाँ पर हुए थे, संसारपुर विलेज जालंधर में इनका जन्म हुआ था। अगर अभी हम लोग हॉकी टीम की बात कर लेते हैं, तो हॉकी टीम के मेल में हमारे कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह, और फीमेल की कौन है, रानी रामपाल। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, ठीक है, कि मेंस टीम कैप्टन कौन है, वुमेन्स टीम कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल, दोनों लोगों का नाम ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है चलो। अगला देखिए हम लोग, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, हाल फिलहाल में जोगिंदर सिंह सैनी जी की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, ये इसरो साइंटिस्ट थे, एथलेटिक कोच थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार के थे, या क्रिकेटर थे? ऐसे ही सब सही होता जाएगा, आंसर करते चलो, आंसर करने से ही तो होता है ना, सही हो रहा है गलत हो रहा है, एक बार आंसर करोगे तब तो पता चलेगा, है कि नहीं। चलो शेयर मार दो बच्चों, जितने भी लोग देख रहे हो ना शेयर मारते जाओ, थोड़ा सा बाकी लोग भी जुड़ पाए यार, एक तो क्वारंटीन में पड़ा हो, लॉकडाउन में पड़ा हो, और तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ऐसे कैसे चलेगा। देखो जोगिंदर सिंह सैनी जी की आपसे बात कर रहा है कि ये कौन से क्षेत्र से थे, तो ये पहले वेटरन एथलेटिक कोच थे और द्रोणाचार्य अवार्डी भी थे। द्रोणाचार्य अवार्ड जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि ये हम लोग के वहाँ पे कोचेस को जो है दिया जाता है, ठीक है। तो इन्हें जो है ये जोगिंदर सिंह सैनी जी इसके रेसिपेंट थे, इन्हें मिल चुका था, जिन्होंने इंडिया के सबसे बेहतरीन ट्रैक फील्ड स्टार्स को जो है उजागर किया कहीं ना कहीं। ये चीफ नेशनल एथलेटिक कोच रह चुके हैं बहुत सालों तक, 1970 से 90 के बीच में, और ये चीफ कोच बने थे एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इन 1970, ठीक है। एक बात बताइएगा, अभी अभी हम लोग के वहाँ के कौन से एक कोच को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, जितने भी लोग देख रहे हो बताइएगा कौन से एक कोच को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है हमारे देश के, आंसर करना सभी लोग, ठीक है चलो। फिर देखिएगा, हाल फिलहाल में सुधानंद महाथेरो की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे, फुटबॉल कोच, बुद्धिस्ट लीडर, हेड ऑफ सिद्धा गंग मैथ, या फिर आर्मी ऑफिसर?
अब जब एग्जाम में तुम लोग बैठोगे ना, तो जब सही सब कुछ सही होने लगेगा, तो कभी कभी तुम लोग को लगेगा कि कभी कभी तो लगता है अपन ही पेपर मेकर है। ठीक है, पेपर मेकर अपन तब बनेगा जब वो क्वेश्चन का आंसर करेगा, जब वो पढ़ेगा, इसलिए क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, चलो, जैसे आपसे पूछ रहा है कि सुदानंद महातेरो कौन थे, तो इनके नाम से मैंने आपसे क्या कहा, नाम से ना हम लोग थोड़ा बहुत लगा सकते हैं आइडिया कि कौन क्या होगा। जैसे अब अगर कोई अपने वहां पे बहुत सचिन वचिन नाम रखता है ना, तो थोड़ा सा लगता है क्रिकेट का शौक रहा होगा इसको। ठीक है, तो ऐसे थोड़े से शौक लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन मेरे नाम से ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मुझे कभी एक्टिंग का शौक रहा हो, मुझे टीचिंग का शौक रहा हो। मुझे तो बिजनेस का शौक है, चाय की दुकान। ओके, टीचिंग का भी शौक है ऑब्वियसली, तभी मैं टीचिंग कर रही हूँ। आप लोग भी अपने नाम का मतलब ढूंढना, अपने नाम का मतलब बताना क्या है। खैर देखिएगा, बांग्लादेश बुद्धा कृषि प्रचार संघ संघ नायक, देख रहे हो ना भयानक, सुदानंद महातेरो मृत्यु हुई है ढाका में। ये जो है बहुत ही रिनाउंड फिगर थे बुद्धिस्ट के बांग्लादेश में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपसे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था उसके आंसर पे अगर हम लोग चलते हैं तो ये क्या थे, ये बुद्धिस्ट लीडर थे। ठीक है, चलो, नॉट अ फुटबॉल कोच, दैट वॉज रॉन्ग, मुझे पता था वो उसका आंसर बहुत लोग गलत दोगे, इसी से मैंने पूछा भी था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाल फिलहाल में जेवियर पेरेस जे सिलर की मृत्यु हुई है, देख रहे हो ना भयानक टाइप का। अब इनके नाम से कुछ आइडिया ही नहीं लग सकता है कि ये क्या रहे होंगे, और जब किसी के नाम से कोई आइडिया नहीं लगे तो समझ लो वो पूरे संसार का सार लिखने आया, पूरे संसार का समर्थक है इस समय। ठीक है, तो ये कौन से पद पर रहे थे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, या फिर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, या फिर कनाडा के प्रेसिडेंट थे, या यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट थे, आंसर करना। देखो बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल दो कौड़ी वाला क्वेश्चन, इसी को मैं कहती हूँ। जेवियर पेरेस जे क्यूलर, ठीक है, ये क्यों नाम इनका माना जाता है, इनका नाम इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड बॉडी को तब लीड कर रहे थे, ईरान इराक वॉर और सिविल वॉर जो हो रहा था एल सल्वाडोर का। ठीक है, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं 1981 से 91 तक, और इसलिए इनको बहुत बड़ा माना जाता है। अभी अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूएन स्थित है आपका न्यूयॉर्क में, और इसकी खोज की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एंटोनियो गुटेरेस इसके पहले क्या थे, ये पुर्तगाल के पीएम थे। पुर्तगाल के पीएम अभी कौन है, एंटोनियो कोस्टा है। ठीक है, अभी एंटोनियो कोस्टा है। अच्छा, एक बात बताइएगा आप जो भी लोग देख रहे हो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट कौन है अभी, कोशिश करो कि बता लो, क्योंकि ये अच्छा सवाल बनेगा मुझे जैसा कि लगता है, और ये हम लोगों ने शायद से कई बार बात भी कर रखी है इस क्वेश्चन के बारे में, इजंट इट। देखो जैसे यहाँ दिया हुआ था, ये आपके क्रिस्टीनी लेगार्ड है। जब आपसे प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा की बात करता है तो ये कौन है, जस्टिन ट्रूडियो। ठीक है, अभी इनकी वाइफ को कोविड-19 का शक था, तो फिर ये खुद को आइसोलेट कर लिए थे, तो ये थोड़े से फेमस हो रहे थे। ठीक है, आईएमएफ की हम लोग बात करें तो आईएमएफ के हेड अभी कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ओके, और यूनाइटेड नेशन की अभी हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाल फिलहाल में हंस राज भारद्वाज जी की मृत्यु हुई है, ये क्या थे, एक्टर, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट। चलो ठीक है, धीमे धीमे ही पढ़ाया जाएगा। देखो बच्चों, आपसे पूछ रहा है हंस राज भारद्वाज जी को कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, जो हम लोग इनकी बात करते हैं ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। ये पूर्व रह चुके हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के एक पॉलिटिशियन थे हंस राज भारद्वाज जी। इनकी मृत्यु हुई है अभी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जो कहते हो, दिल्ली में। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य थे 5 साल के लिए, अप्रैल 1982 से जून 2009 तक के लिए, फिर 5 टर्म्स के लिए रखे गए थे ये राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, और ये लॉ मिनिस्टर थे, जैसे आप लोग देख सकते हो किसके चेयरमैनशिप में, कौन उस समय हमारे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हंस राज भारद्वाज कौन से क्षेत्र से थे, तो ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल फिलहाल में संतू मुखोपाध्याय की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे, एक्टर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, पेंटर। अब धीरे धीरे तो पढ़ाया जा रहा है, अब बताओ इससे भी धीमे कैसे होगा।
देखो बच्चों, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि संतो मुखोपाध्याय की मृत्यु हुई है, ये फेमस क्या थे? तो जो हम लोग इनकी बात करते हैं, ये बंगाली एक्टर थे संतो मुखोपाध्याय, और इन्हें इनके बहुत सारे काम के लिए जाना जाता है। उसमें जो बहुत ज्यादा नोन है उसमें एक भोला बसा करके था, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, इन्हें जो है कार्सिनोमा हो रखा था काफी लंबे समय के लिए, काफी लंबी समय से, और ये हॉस्पिटल में भर्ती भी थे, जिन्हें ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन भी था। ऑब्वियसली जब आपको बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं तो फिर तो आपके बचने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर अगला देखिएगा, इनकी इनका जन्म कोलकाता 1951 में हुआ था, ठीक है। और बहुत अर्ली एज में इन्होंने बहुत नाम कमा लिया था अपनी बहुत एग्जेम्पलरी वर्क के साथ में। खैर, आंसर इसका जो था, ये थे बंगाली एक्टर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, इम्तियाज खान जी की मृत्यु हुई है हाल फिलहाल में, ये किस क्षेत्र से थे? जर्नलिस्ट, क्रिकेटर, पेंटर या एक्टर? देखिएगा, इम्तियाज खान जी की बात कर रहा है, इम्तियाज अली जी की बात करता तो सब बता देते कौन थे, और मूवी भी बता देते सब मुझे। देखो, अमजद खान याद है आपको, कितने आदमी थे रे, ठीक है, थोड़ा सा याद करिएगा, कितने आदमी थे रे सांबा, ठीक है। अमजद खान के भाई, जो कि अमजद खान और बॉलीवुड एक्टर इम्तियाज खान, इनकी मृत्यु हुई है। इम्तियाज खान जो है ये कई सारी मूवीज में आए थे, जैसे यादों की बारात बहुत मशहूर मूवी थी, इसका गाना बहुत सुनते थे हम लोग बचपन में, और गाने की कोशिश भी करते थे, और यकीन मानो मुझे लगता है जब मैं गाऊंगी तो दुनिया उस दिन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा धर्मात्मा, दयावान, नूरजहां जैसी मूवीज में ये आए थे, ठीक है। चलो, तो इसका जो सही आंसर था, ये क्या थे, ये बेसिकली एक बॉलीवुड एक्टर थे, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। ओके, चलो अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुथुसेरी रामचंद्र जी की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे? कथक डांसर, एस्ट्रो साइंटिस्ट, तबला प्लेयर या पोएट? देखो, नाम मैंने आपसे कहा था ना, नाम को ध्यान से देखा करो, उसके बाद आप लोगों को खुद ही अपना आंसर मिल जाएगा। जब हम इनकी बात करते हैं तो इनका नाम जो है, ये वेटरन पोएट थे, मलयालम स्कॉलर पुथुसेरी रामचंद्र, इनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, ठीक है। पुथुसेरी की कविता एक हिंदी इनका ट्रांसलेशन हुआ था, जो कि पब्लिश किया था 2001 में, जबकि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, वो भी देख लीजिएगा, ये पीडीएफ आपके पास जाएगी, तो इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ और भी पॉइंट्स मिलेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में शायद पूछ ले। ओके, तो एक बार पढ़ लेना, ये नहीं कि पीडीएफ आई बस कहते हो मैडम पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ आती है तो उसको लॉकर में रख दिए तो ऐसे कैसे चलेगा। फिर देखो, जयराम कुलकर्णी जी की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे? राइटर, पेंटर, आर्मी ऑफिसर, एक्टर? अब एक बात बताओ, कल इस समय में क्विज कौन से किस चीज पे आप लोग करना चाहोगे, इसी को मैं कंटिन्यू करूं या फिर नए टॉपिक पे क्विज कराऊं, वो बताते चलना। देखो, जैसे आपसे पूछ रहा है जयराम कुलकर्णी जी की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे, तो मराठी एक्टर थे जयराम कुलकर्णी जी, जो कि बूढ़े होने की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है, ये बरशी तहसील सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हुए इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन जाहिर सी बात है, चूंकि हम लोग मराठी मूवीज इतनी नहीं देखते हैं तो हमारे बीच में इतने रेनाउंड नहीं थे, पर इनकी बहुत अच्छी मूवीज भी थी। जो अभी हाल फिलहाल की एक मूवी थी वो क्या थी, वो थी खेल आयुष अच्छा, जो कि भी हाल फिलहाल में इनकी मूवी रिलीज की गई थी, ठीक है। क्या नाम है इनका? जयराम कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी से याद रखना, जयराम कुलकर्णी, ये एक्टर थे, मराठी एक्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को फिर देखिएगा ध्यान से, अभी हाल फिलहाल में पटेल पुतप्पा की मृत्यु हुई है, ये क्या थे? जर्नलिस्ट, पेंटर, वायलिनिस्ट या फिर फुटबॉलर? हाँ, करंट अफेयर पे ही रहेगी क्लास, लेकिन किस चीज पर आप लोगों को क्लास करनी है, दैट इज माय क्वेश्चन। देखो, अब जैसे आपसे पूछ रहा है कि वेटरन जर्नलिस्ट और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर पाटिल पुटप्पा की मृत्यु हुई है, ठीक है, तो ये कौन थे? ये बस जाहिर सी बात है, ये क्या थे? ये पॉलिटिशियन थे, सॉरी, जर्नलिस्ट थे, ओके, ये एक जर्नलिस्ट थे और राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिशियन आता तो हम लोग उसको भी टिक कर सकते थे, ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेटरन जर्नलिस्ट, ठीक है। अब यार, तुम लोगों को न्यू टॉपिक चाहिए, आप खुद सोचो जरा, जो मर गया है उसके बारे में पढ़ना भी नहीं चाहते हो तुम लोग, सोचो कितनी मतलब ही दुनिया होती जा रही है, ऐसे कैसे चलेगा? वो बेचारे चले गए, अब उनके बारे में कम से कम पढ़ तो लो, तुम लोग पढ़ना भी नहीं चाह रहे हो, याद ही नहीं करना चाहते हो किसी को, बहुत मतलब ही हो गई दुनिया। देखो, हाल फिलहाल में रॉजर मेवेदर की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन में है बॉक्सिंग, स्विमिंग, गोल्फ, बास्केटबॉल। थैंक यू अमन। देखो बच्चों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, रॉजर मेवेदर की बात करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मशहूर थे, हालांकि जिस चीज में हमारी रुचि होती है उसके लोगों के मशहूर कोई हम लोग जानते हैं, उसके बाहर हम लोग नहीं निकलते हैं, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो भटकते ही रह जाएंगे, और जहाँ थे वहीं नहीं आ पाएंगे।
रॉजर मेवेदर की बात करें तो ये 2 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं, ट्रेंड बॉक्सर थे, इनकी मृत्यु हुई है, कहाँ के थे ये भी सवाल बन सकता था, ये अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर थे आपके, ठीक है, तो जो इनका कौन से क्षेत्र से ये थे, ये आपके बॉक्सर थे, और याद रखिएगा 2 बार विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं, ठीक है। चलो अगला देख लिया हम लोग, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाल फिलहाल में केनी रॉजर्स की मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र से थे। जो चला गया है वो जाते जाते आप लोगों को 1 नंबर दिला सकता है, और जो चला गया है वो जाते जाते आप लोगों के 0.25 नंबर खा सकता है, इसलिए जो चला गया उसको याद करने में बैंक को निकालना हमारे लिए आसान है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो जो ये बात तो है, देखिए केनी रॉजर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है, ये कौन थी, तो मैं आपको बता दूं, ये सिंगर केनी रॉजर्स, जिनको बहुत सारी हिट्स थे इनके, उसमें जो एक बहुत बड़ा इनका काम माना जाता है वो था लुसाई लेडी और गैम्बलर, आइलैंड इन द स्ट्रीम, ऐसे कुछ इनके बड़े काम थे जिनके लिए नहीं जाना जाता ज़्यादा। ये USA की म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में सेलेक्ट की गई थी 2013 में, ठीक है। फिर इनका जो करियर था वो 6 डिकेड्स तक बहुत ज़्यादा बेहतर रहा था, 3 बार ग्रैमी अवार्ड और 6 CMA अवार्ड विनर थी, इनसे क्वेश्चन पक्का से आना है, ठीक है, तो इसी से कहा जा रहा है इनका नाम याद कर लो, जाते जाते ये आप लोगों को नंबर दिला के जाएंगे, समझ रहे हो तुम लोग। चलो अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो, कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जो एक काम करना होगा वो देखो, आज शाम के 6:15 बजे सरफासी एक्ट पे पूरी आपको चीज़ें बता चल जाएंगी, ठीक है, कि सरफेसी एक्ट क्या है, कोऑपरेटिव बैंक को कैसे क्या राहत मिलने वाली है, अभी 6:15 बजे इस पर सेशन होगा, ठीक है। अगर आप लोग अनअकैडमी पे मुझसे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए अभी आपको सीधे सीधे से अनअकैडमी को डाउनलोड करना होता है, जो नई बैच है वो बैंक और इंश्योरेंस की है, प्रोबेबली आपको दिख रही होगी बैंक और इंश्योरेंस की बैच, ठीक है। नाउ क्लास आप लोग देख रहे हो, एक अभी जो चल रही है 5 बजे अपनी YouTube पर होती है, और 10:30 बजे करंट अफेयर्स की एनालिसिस हो रही है, जो भी बच्चा इसमें क्लास कर रहा है आप उससे पूछ सकते हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको YouTube पे या कहीं पे भी वो करंट अफेयर मिलेगा जो इस क्लास में मिलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। 3 से 4 में स्टैटिक की क्लास आ रही है, वो भी बहुत ही बेहतर होने वाली है, ओके। और बस आप लोग अगर क्लास ले लोगे ना तो फिर उसके बाद सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी। स्टैटिक अवेयरनेस देखिएगा 3 से 4 चलने वाला आपका, 11 मई से शुरू हो रहा है ये वाला बैच, ओके। बिसाइड अगर आप लोग चाहते हो जुड़ना तो आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना होगा और उसे इंस्टॉल करके ओपन करोगे और अपने गोल में सेलेक्ट कर लिया बैंक एग्जाम्स को, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे ऐसे किसी की फोटो वोटो आएगी, नीचे क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, वो आपसे पूछेगा कितने महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो 1 महीने का 1200, 3 महीने का, ये सब आपके सामने लिखा होगा। मेरी राय ये है कि 6 महीने का लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो 6 महीने या फिर 24 मंथ्स ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ में आपसे पूछेगा, आपने अपना कोल सेलेक्ट किया, अपना सब्सक्रिप्शन लिया, पूछेगा क्या कोई कोड है आपके पास, कोड क्या आपको लगाना होगा, कोड तो है ना आपके पास।